नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज़। आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन, साथ में होंगे स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज सोमवार को गुजरात के बड़ोदरा में टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम्स द्वारा C-295 विमान बनाए जाएंगे। ये भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट होगी जिसमें अलग अलग स्थान पर तैयार कल पुरुषों को जोड़कर सैन्य विमान बनाया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स भारत में इन 40 विमानों को बनाएगी। गुजरात यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय बयान में कहा गया कि समझौते के तहत 40 विमान वडोदरा संयंत्र में बनाए जाएंगे, जबकि विमानन क्षेत्र की कंपनी एयरबस 16 विमान आपूर्ति करेगी। टाटा एडवांस सिस्टम भारत में इन 40 विमानों को बनाएगी। सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स में योगदान देंगी। और निजी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इस परियोजना में योगदान देंगे। बयान में कहा गया कि इसमें निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और योग्यता, विमान के संपूर्ण जीवन चक्र की डिलीवरी और रखरखाव तक एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण विकास शामिल होगा। टाटा के अलावा प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स, साथ ही निजी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इस कार्यक्रम में योगदान देंगे। C-295 परियोजना के हिस्से के रूप में 13,000 से अधिक भागों, 4,600 उप असेंबली और सभी प्रमुख घटक असेंबली का विनिर्माण देश में किया जाएगा। निश्चित रूप से इंजन, लैंडिंग गियर और एवियोनिक्स जैसे उपकरण एयरबस द्वारा प्रदान किए जाएंगे और विमान में एकीकृत किए जाएंगे। टैक्टिकल एयर लिफ्टर दो प्रैट एंड विटरी PW-127G टर्बोप्रॉप इंजन द्वारा संचालित है। विमान 9 टन तक पेलोड या 71 कर्मियों या 45 पैराटर्पर्स को ले जा सकता है और इसकी अधिकतम गति 480 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह छोटी या बिना तैयार हवाई पट्टियों से भी संचालित हो सकता है और इसमें पैरा सैनिकों और कार्गो को छोड़ने के लिए एक पिछला रैंप है। पीएम मोदी अमरेली में भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत राज्य सरकार को डोलकिया फाउंडेशन के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित की गई है। मोदी विभिन्न रेल, सड़क, जल और पर्यटन परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बयान में कहा गया कि मोदी द्वारा उद्घाटन की जाने वाली विभिन्न रेल, सड़क, जल और पर्यटन परियोजनाओं से राज्य के अमरेली, जामनगर, मोरवी, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, कच्छ, बोटाद जिलों के नागरिकों को लाभ होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ आपकी आवाज़।